श्री कृष्ण की वास्तविक रासलीला के बारे में विस्तार से भागवत में लिखा है, जो कुछ नास्तिक और अज्ञानी लोगों द्वारा गलत समझा गया है। कृष्ण की यह लीला इतनी दिव्य और परालौकिक थी जो भक्तों के साथ साथ उस समय की गोपियों को भी आध्यात्मिक आनंद देती है, जिन्होंने उनके लिए अपना परिवार भी छोड़ दिया। यह लीला उनके लिए एक माधुर्य भाव पैदा करती है कि इस बारे में लिखते हुए भी मुझे उनके लिए एक परालौकिक प्रेम महसूस हो रहा है जिसे समझाया नहीं जा सकता। जब कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजानी शुरू की और जब उनकी बांसुरी का गीत गोपियों के कानों के माध्यम से प्रवेश किया तो वे कृष्ण से मिलने के लिए खुद को रोक नहीं पाए। कृष्ण की बांसुरी सुनकर कुछ गोपियां गायों को दूध पिला रही थी, उन्होंने दूध देना बंद कर दिया और उससे मिलने के लिए चले गए, जबकि कुछ ने चूल्हे पर दूध छोड़ दिया। उनमें से कुछ अपने शिशुबों को दूध पिला रहे थे और कुछ काजल को अपनी आंखों से लगा रहे थे। सभी गोपियों ने अपनी गतिविधियां रोक दी और कृष्ण के पास पहुंच गई। कुछ गोपियां विवाहित थी और उनके पतियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। अविवाहित लड़कियों को अपने पिता और भाइयों और अन्य रिश्तेदारों से निपटना पड़ता था। श्रील रूपा गोस्वामी की पुस्तक उज्ज्वला नीलमणि में वर्णित है कि गोपियों की दो श्रेणियां हैं, अनंत रूप से परिपूर्ण, जो लोग भक्ति योग का अभ्यास करके परिपूर्ण हो गए हैं। साधना सिद्धियां दो श्रेणियों की होती है, जो विशेष समूहों से संबंधित होती है और जो नहीं होती है। गोपियों के विशेष समूह भी दो प्रकार के होते हैं, श्रुति कारिस जो व्यक्तिगत वेतों के समूह से आते हैं, रूपी कैरी जो संतों के समूह से आते हैं जिन्होंने दंडकारण्य वन में भगवान रामचंद्र को देखा था। रासी कैरिस गोपियां भी साधना सिद्ध है। पहले वे सभी दंडवत वन में रहने वाले महर्षि थे। स्वामी रामचंद्र को दंडवत वन में ऋषि देखकर हरि यानी कृष्ण का आनंद लेने की इच्छा हुई। भगवान राम की सुंदरता के दर्शन ने उन्हें भगवान कृष्ण गोपाल की याद दिला दी और फिर वे उनके साथ आनंद लेना चाहते थे। वे तुरंत स्वतः स्फूर्त भक्ति के परिपक्व मंच के लिए उन्नत हो गई। स्वचालित रूप से दृढ़ विश्वास, आकर्षण और लगाव के चरणों तक पहुंच गए, लेकिन उन्होंने अभी तक पूरी तरह से खुद को सभी भौतिक संदूषण से मुक्त नहीं किया था। इसलिए श्री योग माया देवी ने उनके लिए गोपियों के गर्भ से जन्म लेने और गोभक्त लड़कियों के लिए व्यवस्था की। योग माया की शक्ति से भले ही वे गोपियों की संगति में थे, गोपियां उनके साथ संपर्क से अप्रभावित रही, बल्कि वे विशुद्ध आध्यात्मिक निकायों में स्थित थी जो कृष्ण ने आनंद लिया था। रात्रि में जब उन्होंने कृष्ण की बांसुरी की आवाज सुनी तो उनके पति ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन योग माया की दयापूर्ण सहायता से साधना करने वाले गोपियों ने अपने प्रियतम के साथ नित्य गोपियों के साथ जाने में सक्षम हो गए। जो गोपियां अपने पतियों के कारण बाहर नहीं निकल पाती थी, जो उनके सामने हाथों में लाठी लेकर खड़े थे, उनका ध्यान करते हुए उस पर ध्यान लगाने से उन्हें अपने आलिंगन का एहसास हुआ। इस प्रकार उनके कर्म बंधन को शून्य कर दिया गया और उन्होंने अपने स्थूल पदार्थों को छोड़ दिया। इस संगति से वे स्वयं को सभी भौतिक आसक्ति से मुक्त करने में सक्षम हो गए और उन्हें मुक्ति मिल गई। धन्यवाद।